बिसमिल्ल रन रही वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कॉस्ट एज़ वेल एज बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लेशन एक इन्फ्लेशन का जो बेनिफिट है वो ज़रा गैर रिवाइती तौर पे उसको समझने की ज़रूरत है यानी कि वो सिंपली जो आपका ट्रेडिशनल लिटरेचर है उसके अंदर डिस्कस नहीं किया जाता लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है और वो अपोजिट साइड से जाके बेनिफिट देखना पड़ेगा और वो है बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लेशन इन टर्म्स ऑफ डेट डिफ्लेशन इसका मतलब यह है यहां पे जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि जो डेट डिफ्लेशन होता है वो खुद कॉस्टली होता है तो डिफ्लेशन कॉस्टली होने का मतलब यह है कि इन्फ्लेशन बेनिफिशियल हो यानी कि हम उल्टी साइड से चीज को देख रहे हैं कि चूंकि डिफ्लेशन कॉस्टली है इसका मतलब है इन्फ्लेशन बेनिफिशियल तो हम डिफ्लेशन कॉस्ट डिस्कस करेंगे जो कि एक्चुअली इन्फ्लेशन का बेनिफिट स्टार्ट द डिस्कशन ऑन डेट डिफ्लेशन ये होता क्या है डेट डिफ्लेशन अकर्स वेन सब्सटेंशियल अनएंटिसिपेटेड डिक्रीज इन प्राइस लेवल डिटेरियरेट फर्म नेटवर्क यानी कि फर्म की नेटवर्थ खराब हो जाती है जब डेट डिफ्लेशन होता है अब ये कॉन्सेप्ट क्या है इट मोस्टली अकर्स इन फाइनेंशियल क्राइसिस ठीक है ये तो समझ गया ये रूटीन का मैटर नहीं है ये एक्सट्रीम सिचुएशन का जब इकानिक क्राइसिस में हो और स्पेशली फाइनेंशियल क्राइसिस में हो तो उस किस्म के इशू में उस किस्म के प्रॉब्लम में उस इवेंट में ऐसा होता है कि डेट डिफ्लेशन हो सकता है अब ये डेट डिफ्लेशन एक्चुअली क्या है इसको समझने की ज़रूरत है कि डेट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि वो नॉमिनल टर्म्स में फिक्स होते इंटरेस्ट पेमेंट भी और प्रिंसिपल अमाउंट या फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी ये दोनों चीजें जो हैं ये फिक्स होती हैं नॉमिनल टर्म्स में तो जब भी एक अनएंटिसिपेटेड प्राइस डिक्लाइन होता है जब मैं इन्फ्लेशन के पॉजिटिव नेगेटिव नंबर समझा रहा था वहां मैंने आपको बताया था कि डिफ्लेशन होता है जब इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव हो और इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव होने का मतलब है कि प्राइस लेवल गिर जाए तो अब मैं बात कर रहा हूं उस फाइनेंशियल क्राइसिस की या उस एक्सट्रीम सिचुएशन की जिसमें कीमतें गिर जाती हैं बढ़ने की बात नहीं कर रहा कीमतें गिर जाती हैं तो अगर कीमतें गिर जाएँ हाल दो पाकिस्तान में ऐसा हमने नहीं देखा कोई क्राइसिस जिसमें कीमतें गिरे और वो भी लार्ज स्केल पे लेकिन दुनिया में इसकी बहुत एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जैसे ग्रेट डिप्रेशन की एग्जाम्पल मौजूद है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की एग्ज़ैम्पल मौजूद है 2007-2009 जैपनीज इकॉनमी की एग्जाम्पल मौजूद है जहां डिफ्लेशन हुआ तो दुनिया में एग्जाम्पल्स मौजूद हैं तो जब नॉमिनल कॉन्ट्रैक्ट जो डेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो नॉमिनल टर्म में फिक्स होते हैं तो जब प्राइस में डिक्लाइन आता है यानी कि डिफ्लेशन होता है और शर्त यह है कि वो अनएंटिसिपेटेड हो अनएक्सपेक्टेड हो तो उससे होगा क्या कि जो कॉस्ट ऑफ बारोइंग है वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि हमने कहा था इन्फ्लेशन से बारोअर को फायदा हो जाता है तो जाहिर है डिफ्लेशन से बारोअर को नुकसान होगा तो बारोवर को लॉस हो जाता है और वो लॉस क्या है है कि उसकी रियल वैल्यू ऑफ इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी टोटल लाइबिलिटी चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर है चाहे वो फार्म है लाइबिलिटीज रियल टर्म में इंक्रीज हो गई यानी कि रियल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई इसका मतलब है रियल बर्डन ऑफ डेट इंक्रीज हो गया जबकि दूसरी तरफ अगर आप एसेट्स को देखें तो एसेट्स की रियल वैल्यू पे अमूमन डिफ्लेशन का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता क्यों ये जरा समझें कि डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन ये गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस का नाम है ये एसेट्स की प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज का नाम नहीं है एसेट्स की प्राइसेस की डायनेमिक्स अलग होती हैं और गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस की डायनेमिक्स अलग होती हैं तो जिस चीज को हम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कह रहे हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस का बढ़ना और कम होना है तो इसका मतलब है एसिड्स की वैल्यू डायरेक्टली लिंक नहीं है वो वैसे चेंज हो जाए इन्फ्लेशन के साथ चेंज हो सकती हैं डिफ्लेशन के साथ चेंज हो सकते हैं लेकिन डायरेक्ट लिंक नहीं है जैसा कि डायरेक्ट लाइबिलिटीज का लिंक है तो इसका मतलब है एसिड्स का जो है वो इफेक्ट नहीं हुआ ज्यादा लेकिन लाइबिलिटीज की रियल वैल्यू इंक्रीज हो गई या आप दूसरी तरह यूं भी समझ सकते हैं कि एसिड्स जो हैं वो इन्फ्लेशन के साथ सम हाउ एडजस्ट करते हैं वो है उसकी डायनेमिक्स अपनी है लेकिन हो सकता है वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस की वजह से एसिड्स एसिड्स एंड सर्विसेज परचेस करनी है फाइनेंशियल तो तो क्राइसिस के, के, के अंदर की कीमतें भी गिर गई गुड्स एंड सर्विसेज की भी प्राइसेस गिर गई तो वो एडजस्ट कर जाएंगे लेकिन जो रियल वैल्यू ऑफ डेट है वो एक डायरेक्शन में जाएगा स्पेशली क्यों क्योंकि जो ने, जो नेॉमिनल वैल्यू ऑफ डेट है वो एडजस्ट नहीं कर सकती तो इसका मतलब है डिफ्लेशन होने से रियल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज या डेट इंक्रीज हो गई जबकि रियल वैल्यू ऑफ एसेट में मे बी कोई ऐसा चेंज ना आए तो होगा क्या फर्म्स की या हाउस की नेटवर्थ चेंज हो जाएगी और नेटवर्थ एक्चुअली डिफ्लेशन में डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि नेटवर्थ क्या होता है रियल वैल्यू ऑफ एसेट माइनस रियल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज तो ये नेटवर्थ डिक्लाइन कर जाती है क्योंकि रियल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई जबकि रियल वैल्यू ऑफ एसेट पे एज सच कोई इफेक्ट नहीं आया अब इससे क्या फर्क होगा हम ऑलरेडी क्रेडिट चैनल के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का चैनल है उसके अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका क्रेडिट होता है जो लेंडिंग होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की उसमें स्पेशली प्रॉब्लम होता है जब बार की नेटवर्थ कम हो जाए क्योंकि नेटवर्थ कम होने से बारोर के मॉरल हेजर्ड में इन्वॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और के लिए डिफरेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि लैंडिंग का, तो का तो नतीजा क्या होगा लैंडिंग कम हो जाएगी जब लैंडिंग कम होगी तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी और क्राइसिस से जो इकोनॉमी ने रिकवर करना था वो रिकवरी का प्रोसेस डिले हो जाएगा थैंक यू